कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। काम तो बिगड़ गया है तुम्हारा, और अब तुम्हारा काम तमाम होने वाला है। कैसे मरना पसंद करोगे, गोली से या बॉम्ब के धमाके से? सब देखो, प्रिया को छोड़ दो, मैं बताता हूँ। क्या बताना चाहते हो तुम? फिर से कोई नाटक करोगे तुम? शक तो मुझे तुम पर बहुत पहले से था अर्जुन, पर समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन तीन चार दिन पहले मेरा शक यकीन में बदल गया। जानते हो कैसे? वो क्या कहते हो तुम? कांड। तुम्हारे कांड ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम्हारा पहला कांड, तुमने प्रिया के साथ मिलकर मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, तुम पिछले जन्म में आदि थे। अपना हाल धोबी के कुत्ते वाला होने वाला, ना घर का ना घाट का, इसलिए घर घाट दोनों संभालने पड़ेंगे, मतलब जिया और निशा दोनों को संभालना पड़ेगा। संभालूंगा कैसे? उन्हें उन्हीं के खेल में मात देकर, आदि बनकर। तुम्हारा दूसरा कांड मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि अब तुम आदि हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है कि मैंने, मतलब निशा ने, पिछले जन्म में तुम्हारा कत्ल किया था। एक एक जान अर्जुन, क्या कर जान ली थी तुमने? अर्जुन स्टॉप इट, आज मैं तुम्हें तड़ पाऊंगा। चलनी इससे हमें मारा था। तुम्हारा तीसरा कांड, तुमने मेरे सामने नाटक किया मुझे यकीन दिलाने के लिए कि जो इलाज मैं तुम्हारा कर रही हूं उससे तुम्हारी याददाश्त मिट गई है, और अब तुम ये जानते हो कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कत्ल नहीं बल्कि जिया ने तुम्हारा खून किया था। तुम्हारा चौथा कांड, बार बार तुम बेहोश होते रहे और मजे से अर्जुन खन्ना अपना खेल खेलते रहे, कभी जिया की तरफ कभी निशा की तरफ। तुम्हारा पांचवा कांड, मुझे धोखा देकर जबरदस्ती मुझसे शादी की, कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग ने ये सोचा कि अगर तुम निशा के पति बन जाओगे तो निशा को प्रॉपर्टी मिलने के बाद निशा की आधी चीजों पर तुम्हारा हक होगा। मैंने जो किया इस बार जानबूझकर निशाना चुका, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि निशा का निशाना कभी नहीं चुकता। अगली बार ऐसा नहीं होगा, ना ही तुम मेरे आदि हो और ना ही तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। तुम तो अर्जुन, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। कभी सोचा है तुमने कि अगर ये बात जिया, काकीमा और बाबासा को पता चली तो क्या होगा? बुड्ढा तो तुम्हारी असलियत जानकर हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। ये सोचो अर्जुन, जिस प्रॉपर्टी के तुम ख्वाब देख रहे हो ना, वो तुम्हें कैसे मिलेगी? और वो काकीमा जो तुम्हें अपना आदि समझती है,
तुमने सोचा है कि उस पर क्या बीतेगी? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ही ने उनकी प्यारी जिया का किडनैप करवाया है, तो क्या बीतेगी उन पर? जिस गंदी बस्ती से उठाकर मैं तुम्हें अपने महल में लेकर आई हूं ना अर्जुन, ये सब जानने के बाद तुम दोबारा उस बस्ती में जाने के लायक ही नहीं बचोगे। अगर इस सब से बचना चाहते हो तो एक चॉइस है तुम्हारे पास, तुम्हें दोबारा से उस घर के दरवाजे मेरे लिए खुलवाने होंगे। और जिया को तुमने जहां भी रखा है ना, वहां से उसे वापस लाना होगा। सोच लो, गोली से मरना चाहोगी या? चॉइस इज योर्स। जिया बेटा, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ चली गई हो? वापस आ जाना बेटा। जिया मेरी बच्ची, आ जाओ। इनका ब्लड प्रेशर गिर रहा है, अगर इसी तरह से तनाव में रहे तो हालत और बिगड़ सकती है। हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर। ओके। जिया बेटा, कहाँ चली गई? मोहन। यस मैम। दादू को कमरे में लेके जाइए, मैं दवाई लाती हूँ। अब बहुत इंतजार हो गया है, जिया का कहीं पे भी पता नहीं है। हमें पुलिस में कंप्लेन करनी ही होगी, मेरा सुबह से जी बैठा जा रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है दादी बहुत, पर मुझे विश्वास भी है कि जिया लौट आएगी, क्योंकि निशा इस घर में आने का इंतजार कर रही है और उसको पता है ये तभी पॉसिबल है जब वो जिया को अपने साथ लेके आएगी। लेकिन बेटा, निशा ने ही तो अगवा किया है ना जिया को। किडनैपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, हमेशा वर्क करता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कहते हैं कि मां के चरणों में स्वर्ग होता है ना, तो मैंने स्वर्ग देखा है और ना ही कभी मां का प्यार मिला मुझे, पर मैं जानता हूं ये दोनों खुशियां मुझे आपके चरणों में मिल जाएंगी काकी मां। पर अचानक तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? तुम्हारा पिता नहीं हूं, दोस्त हूं, और इस दोस्त को ना नाज है तुम पर। वो सब तो ठीक है, पर आपको अचानक क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर निकलता हूं बस। क्या हो गया ऐसा? काकी मां, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? एक बार मेरे बारे में नहीं, भाई साहब के बारे में तो सोचो। अगर उन्हें पता चल गया तो उनकी तबीयत कितनी खराब हो जाएगी। अर्जुन एक सेकेंड, आपने कहा था ना मैं आपकी दोस्त हूँ, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को सारी बातें बताता है। क्या हो गया? आप क्या बात छुपा रहे हैं हमसे, बताइए।
औरत इस घर में। मैं जानता हूँ ये औरत एक आंख नहीं भाती आप लोगों को, पर ये मेरी पत्नी है काकी माँ, और अगर मेरे होते हुए इसे दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो मुझ पर तो लानत है ना। हाँ, इसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तब अगर गलती इसकी हो। मतलब काकी माँ, मुझे भी लगा था कि निशा ने जिया को किडनैप करवाया, पर ऐसा नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया है। अर्जुन अब फिर इसकी बातों में आ गए। अच्छा ठीक है, अगर इस औरत ने किडनैप नहीं करा है तो किसने करा है? आपने करा है? इसके अलावा और कोई दुश्मन नहीं है जिया का। ये औरत जब अपने परिवार की नहीं हो सकी तो जिया की क्या होगी? मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती कि जिया कहाँ, मैंने उसका किडनैप नहीं करवाया। देखिए, जिस घर में मेरी पत्नी की कोई जगह नहीं है, मैं वहां नहीं रह पाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बाबा साहब को नमस्ते कहिएगा मेरे। दो राह पे आके खड़ा हो गया हूं मैं, एक तरफ मेरा परिवार है, दूसरी तरफ एक पति का फर्ज है। मैं पति होने का फर्ज निभाऊं या परिवार का साथ दूं, तो आज मैं एक पति का फर्ज निभाऊंगा। हम चलते हैं काकी। अगर फर्ज को चुनते ना तो ये कदम नहीं उठाना पड़ता। खैर छोड़िए, जो आपकी मर्जी है वो करिए। ये तो अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा, अब उल्टे पांव लौटेंगे तो लगेगा कि सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। वह साले गई भैंस बंगले के नीचे। रुको, दादी आप तुम्हें नहीं खो सकती। तुम एक बार से भाईसा के बारे में सोचो, तुम कहीं नहीं जा सकते। काकी माँ, आपका हुकुम सर आंखों पर है, पर मैं इस घर में तभी रह पाऊंगा अगर मेरी पत्नी भी यहां मेरे साथ रहे। ठीक है, निशा ने एक बार मेरा मान रखने के लिए जिया को इस घर में रखा था, आज मैं ये उसका एहसान चुका दूंगी। मैं बाबा साहब से मिलकर आता हूं, तुम जाओ अपने कमरे में। दादी ने इमोशनल होकर फैसला तो ले लिया है, लेकिन जिस निशा ने जिया को किडनैप कराया उसे फिर से घर में बना दी थी। या वो आराम से रहेगी, पर वहां जिया का क्या हाल हो रहा होगा कुछ पता नहीं। अपने रूम में वापस आने का मजा ही कुछ और है। तुम्हारा आइडिया काम आ गया। रिया की वजह से अर्जुन ने मेरी हर बात मानी। वानिशा, जैसा तुमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ,
और एक हम है कि फ्लॉप पे फ्लॉप, फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं हमारे प्लान। तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ? सुनो, कोई आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। काट दिया? वेलकम अर्जुन। बाबा साहब की हालत ठीक नहीं है, वो याद कर रहे हैं जिया को। और तुम आदि को? ये बाबा साहब की चिंता है, तुम्हें ये सब नाटक अब बंद करो। और वैसे भी अब तुम्हारा हर राज मेरे सामने खुल गया है। तुमने जैसे कही थी मैंने कर दिया निशा, घर में ले आया वापस। प्रिया को छोड़ दो। मुझे तो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम चाहिए। एक मिनट, ये डील नहीं थी हमारी। तुमने कही थी घर वापस आना चाहती हूँ, मैं ले आया। ओह रियली? और तुम्हें क्या लगता है मेरे नाक के नीचे तुम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये गलत कर रही हो अनिशा। अच्छा, तो अब अर्जुन मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाएगा। एक तीर से दो शिकार सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या? देखो जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा ही करो, वरना एक सेकंड लगेगा मुझे बाहर जाके तुम्हारी सच्चाई बताने में। यहाँ बात मेरी नहीं हो रही है, बाबा साहब की बात हो रही है। हालत ठीक नहीं है, जी ऐसे मिलना चाहते हैं, तड़प रहे हो। हाँ तो किडनैप तो तुमने करवाया ना, तो किस बात का वेट कर रहे हो? फोन लगाओ, छुड़ाओ उस लड़की को। क्या बात है, अपना ही खेल तुम्हें खुद भारी पड़ गया ना। स्पीकर पे डालो। अरे ये तो अर्जुन का फोन है, क्या कहेंगे अर्जुन से? सुनो, वो जिया को छोड़ दो, हाईवे पे लेकर आओ और उसे वहां छोड़ दो। देखो वो लड़की, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, जितने पैसे कहे थे ना मैंने दूंगा मैं, उसे हाईवे पे ले जाओ और छोड़ दो वहां। अरे लड़की होके तो आएगी ना। क्या भग गई क्या फिर से? नहीं मर गई, मर गई, मर गई। मर गई क्या? मर गई? और क्या भौंक रहा है तू? इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वैसे भी वो साथ बैठ नहीं सकती थी और उसने फिर से भागने का प्लान बनाया था शायद, पर हमारा ध्यान भटकाने के लिए कमरे में आग लगा दी और उसकी मौत हो गई। पर आग से तो जिया, आग से नहीं, आग के धुएं से घुटकर उसकी मौत हो गई। जाता ना अर्जुन, आई स्वेयर मैं मर जाती। तुम हमारे परिवार के लिए खतरा हो, खतरा। बस तुम चली जाओ यहां से। याद आती है तुम्हें हमारा गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन अपनी बीवी की हरकतें नहीं नजर आ रही है। अगर संभाल सकता तो तेरी बीवी की वजह से इतने तमाशे नहीं होते। प्यार के सहारे शादियां नहीं चलती, जिंदगी निकालने के लिए घर चाहिए होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रवि को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कितनी बार कहा था मैंने तुझसे, मत कर इस लड़के के साथ शादी, ये तुझे कुछ नहीं दे पाएगा। मैं रवि को बिल्कुल खुश नहीं रख पाया हूँ और अब तो अज्जी भी उसके खिलाफ हो गई है। मुझे रावी के साथ अब इस घर से चले जाना चाहिए।
अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। मेरी किस्मत को मतलब सोचो कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। जिया के मरने के बाद ही मेरी नई शुरुआत होने वाली थी और मेरे रास्ते का पत्थर अपने आप हट गया। I just can't believe it. I mean, जिया मर गई, ऐसे मर गई। चुप। How dare you? How dare you? शर्म आनी चाहिए। मर गई और तू जश्न मना रही है? अरे लानत तो तुझ पर है। तुमने किडनैप कराया जिया को, तुम्हारे और उन गुंडों की लापरवाही की वजह से मर गई है वो। अरे जाओ अपने गिरेबान पर झांक कर देखो, तुम्हारी लापरवाही से, उन किराए के गुंडों की लापरवाही से मर गई है वो लड़की। क्या गुंडों की लापरवाही से जिया? काहे काहे जिया, काहे काहे मेरी जिया, अरे काहे काहे मेरी जिया, कौन से गुंडे, कौन लोग, काहे जिया, बहुत छुपा के रखा है तुमने जिया को, काहे मेरी जिया, अरे मर गई तुम्हारी जिया, मर गई है वो। कितनी परीक्षा ले रहे हमारे, कितनी तकलीफ में आज ही देखा है तूने, क्या बिगाड़ा है मेरी आजी ने, प्लीज मेरी आजी को घर वापस ले आओ, प्लीज पापा। Thank you.
ऐसा क्यों लगा कि यहां पर कोई अपना था? ये आजी है या वो ट्रक डीलर जिसकी हिस्ट्री हमारे पास है, या फिर कोई और कहानी इसके पीछे? ये तस्वीर मुझे विषय को दिखानी चाहिए। चला विषय। हाँ कहा चलो। एक्चुअली हमारे पास एक ड्रग पेडलर का केस आया। एक मिनट। हेलो काय सूरी जाली, मैं अभी आता हूँ। विषय ये तस्वीर देख लो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? लेकिन हेलो। हाँ चिराग, हाँ बस आ ही रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे माफ करना चालवल, बहुत मजबूर हूँ बाबा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैडम जी, वो गजब हुई गवा, वो बुढ़िया गई, उसके पीछे पीछे रावी भी गई। क्या क्या हुआ? वो रावी सासुबाई के पीछे पीछे गई है। रावी और सासुबाई की बात नहीं होनी चाहिए, वरना हमारा पूरा का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सुनो, किसी भी तरह रावी को सासुबाई से बात करने से रोको। कैसन? मार डालो उसे। अब हमारे और चौल के पेपर्स के बीच में कोई नहीं आ सकता, मानो या ना मानो। हाजी, 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 हाजी।
का होगा। आजी इस तरह आकर वापस क्यों चली गई? बुढ़िया निकल चुकी, छोड़ दो रावी को आज। आज ही मेरे सामने से निकल गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। मिलाई आज से? तो का पता भी है, आज वो बुढ़िया की जान बचाने के लिए तू अपनी जान देने वाली थी, मरते मरते बची तू। ध्यान से सुन ले, अगर मेरी आज को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चोरी कहा है, खून जला रही हो तू? बुढ़िया मरती तो मरने देना, दुनिया का उसूल है, बस अपनी जान की फिक्र कर लो। बाकी लोग वहां गए भाड़वा, रिश्ते नाते सब बकवास है। चार पैसों के लिए किसी की जान लेने वाली औरत, तेरे सीने में ना दिल ही नहीं है। ना ना ना, हमारे पास ना दिल है, ना दिल के वास्ते टाइम है, ना वो तेरे रिश्ते नातों की बकवास कहानी में दिलचस्पी। ये जो मिलने बिछड़ने का जो नाटक था ना, खेल खेल, वो देखने का बड़ा चस्का लगा हमें। अब आज ही का देख ले, बुढ़िया तेरे दरवाजे तक आई लेकिन तू कुछ कर ना पाई। तो टेलर है, पूरी फिल्म दिखाने आई। कौन है ये औरत, कहां से आई है, किसने भेजा है इसे, कैसे पता लगाऊं इसकी असलियत का? सुरेश, क्या शानदार गाड़ी है ना, मानो या ना मानो, बस एक बार ये डील फाइनल हो जाए ना, फिर हम भी ऐसी गाड़ी में घूमेंगे। हाँ आ रहा है। लाओ वो पेपर्स मुझे दो। नहीं, पहले पैसे फिर पेपर्स। ये कैसा बद्दा मजाक है, इस एनवलप में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है ये। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो मैंने मैंने मुझे धोखा देने चले थे। अरे इस आर्मी को लड़ी चीटर मारो। नहीं नहीं मत
लेट हो गया। कोई बात नहीं, कैसा है तू? बहुत बढ़िया शुक्र सर। सुन ना, बात हुई तेरी? हाँ तो सुन, चिराग ने अपने एक बिल्डर फ्रेंड से पहले ही बात कर ली थी। हाँ। और वो मान गया यार ऋषि, वो तैयार है तेरे को एक अलग टाइप का पेमेंट ऑप्शन देने के लिए। तो अभी के लिए तुझे सिर्फ इतना करना है कि तू 2 लाख डाउन पेमेंट दे और बाकी फिर जैसा मर्जी तू, चाहे बैंक से लोन ले या फिर उतना तो मैं अरेंज कर ही सकता हूँ। थैंक्स अ लॉट यार। अरे एनी टाइम फॉर यू ऋषि। अच्छा जो मैंने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स वो बोले थे वो तो लेकर आया ना तू? हाँ हाँ लाया हूँ। अमेजिंग। तो बस फिर तू तैयारी कर अपने नए घर में एंट्री लेने की, वो गृह प्रवेश की तैयारी कर दू। लेकिन अभी ओवर टाइम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे। करना पड़ेगा। मैं ज्यादा देर तक ऋषि से सच नहीं छुपा सकती। मुझे ऋषि को सब बताना होगा। अच्छा ऋषि तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही। मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ऋषि बस एक मिनट, मुझे तुमसे बहुत बहुत जरूरी बात। मैं जानता हूँ सुबह के बारे में बात करनी है ना। अज्जी ने जो बर्ताव किया वो गलत था ना। तुम चिंता मत करो, मैंने उपाय सोच लिया है। रवि मैंने रवि एक कप चाय मिलेगी? हाँ बाबा मैं बस अभी बनाती हूँ। सब काम करवाते हैं तुमसे, देखना तुम सब याद करेंगे आज जी भी। आज को बचाना होगा। क्या रवि क्या कह रहे हैं तू? हाँ आजी को बचाना होगा। किसे? वो मैं आई ऋषि से बोल रही थी कि आजी आजकल बहुत मीठा खाने लग गई है ना, तो उन्हें डायबिटीज हो जाएगी। हाँ पर तुम्हें लगता है आई किसी की बात मानेंगे? पता नहीं आजकल आई को क्या हो गया है, खाना देखती है ना तो लपट पड़ती है, जैसे कभी खाना मिला ही ना। हाँ देखो ना, हमेशा एकादशी का व्रत रखने वाली आजी, उन्होंने व्रत भी नहीं रखा। हाँ पर अब कौन समझाए उन्हें? रावी, 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 रावी। मैंने हम दोनों के लिए अलग कर दिया। मुझे तुमसे पूछना चाहिए, लेकिन मैंने अकेले ही ये फैसला ले लिया। पता नहीं तुम मेरे इस फैसले से खुश होगी भी या नहीं। ऋषि क्या हुआ? कुछ नहीं। कमी हमसे होशियारी करत है? चाल मां जाकर खाली लिपा पर ले आई, एक बार भी नहीं सोचा रावी का हम का हाल कर देंगे? नहीं नहीं देवा शपथ, उन्हें पापा में पेपर थे, मैं सच्ची कह रही हूँ। झूठ, सरासर झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू झूठ ना बोल रहे, अब देख ही लो उसका का हसर करते हैं हम। देख ले बुढ़िया, अब तोहरी गलती की सजा तोरी रावी को देंगे हम, समझी? अब जल्द ही तो का नया वीडियो दिखावत है हम। अब देख ले उमा कि हम रावी को कैसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं। मैं रावी को कुछ नहीं करना। ए लड़के
मुझे ना वो गैस पर पका पका खाना नहीं खाना है आज। अरे गैस पर नहीं पकेगा तो और कहाँ पकेगा खाना? लकड़ी के चूल्हे पर। क्या? हाँ एकदम सात्विक खाना खाना है मुझे। लेकिन क्यों आई? सवाल क्यों पूछ रही है तू? नहीं बनाना मत बना, मैं बना लूंगी, मेरे हाथ से खाऊंगी। हा? लेकिन सवाल पूछ के दिमाग का दही मत बना। अरे आज जी गुस्सा क्यों करते हो? मैं बनाती हूँ आपके लिए खाना। नहीं रे बेला तू मत बना, मुझे रावी के हाथ का खाना खाना है। रावी कैसे बनाएगी चूल्हे पे खाना? उसने तो कभी बनाया भी नहीं होगा। मैं या तो फिर बेला बना लेंगे। नहीं बनाया तो बना लेगी ना, सीख लेगी ना, उसमें क्या है। ए रावी बनाएगी ना तेरी आजी के लिए खाना तू? जी आज। बस रावी आज तेरा दी एंड। चूल्हे में आग तो का जलाने के लिए जलेगी।